गाइज अगेन स्वागत है आपका कंसाइन यूट्यूब चैनल पे। दिस इज मोहित एंड मैं फिर यहाँ पर आपके लिए एक बेस्ट प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ, काफ़ी अच्छी सोसाइटी में। आप देख सकते हैं इस सोसाइटी का नाम है रेड कारपेट सिटी। इसके बारे में डिटेल बताना चाहूँगा, MR 11 पर ये अवेलेबल है, रेड कारपेट सिटी, जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी, आप इसकी बाउंड्री वॉल भी देख पा रहे होंगे। सो काफ़ी छोटी सी और शांत वातावरण में ये रेड कारपेट सिटी बनाई गई है। और यहाँ पर जो रोड है वो 40 फीट की रोड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पर MR 11 पर ये अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जो गाड़ी आ रही जा रही है वो MR 11 है। स्मृति कॉलेज पास में ही है और चौहित्राम स्कूल के सामने रेड कारपेट सिटी अवेलेबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल शांत वातावरण। चलते हैं इस घर को देखते हैं कि ये कैसा हाउसेस यहाँ पर अवेलेबल है। सो अगेन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बंगलो, जिसका लुक ऑफ फ्रंटेज आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और पास में सभी सेम बने हुए हैं बंगलोज। एंड ये वाला जो है ये गार्डन फेसिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में ही गार्डन अवेलेबल हैं। सो ये वाले जो गार्डन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल गार्डन है। ऐसे इस पूरी रेड कारपेट सिटी में 4 गार्डन्स अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पर जो आप रोड्स देख सकते हैं, रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 40 स्क्वायर फीट की रोड है घर के सामने। ये वाला जो बंगलो है वो 4 BHK का बंगलो है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेट है इसके। सो ये वाला जो पर्टिकुलर बंगलो है इसका जो रेट है आपको वीडियो के लास्ट में पता चलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो टोटल बिल्डअप एरिया है वो है 2200 स्क्वायर फीट का। सो चलिए अब हम इसमें एंटर होते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये बंगलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन जो चीज़ रहती है पार्किंग एरिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली पार्किंग एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे पार्किंग एरिया दिया हुआ है आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपकी 4-व्हीलर आराम से आ सकती है। छोटा सा एक गार्डन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं छोटा सा गार्डन दिया हुआ है जिसके आप केयर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पार्किंग एरिया दिखने वाला है। जो पार्किंग एरिया है वो है 10x8 स्क्वायर फीट का। यहाँ से जैसे आप एंटर होंगे तो यहाँ पर 2 एंट्रेंस है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो चलिए जो वाला ओपन है हम उससे एंटर होते हैं। तो चलिए अब हम एंटर होते हैं। जैसे आप एंटर होंगे सो आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत ही शानदार ड्राइंग रूम यहाँ पर दिया हुआ है, इनफ स्पेस। सो ये वाला जो ड्राइंग रूम है इसके जो साइज है वो है 10x20 स्क्वायर फीट, आप देख सकते हैं। सो 1100 स्क्वायर फीट में काफी ज्यादा अच्छा ये बंगलो है। यहां पर इसका मैं आपको इंटीरियर बताना चाहूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सुंदर इसका इंटीरियर है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल इंटीरियर है इसका। इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको AC हम अपने एंड से प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। यहां पर वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार दिया हुआ है। यहाँ पर जो गार्डन का लुक आ रहा है वो काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है। सो इसका इंटीरियर एक बार मैं आपको क्विक व्यू बता देता हूँ। देखिए काफी शानदार इंटीरियर है इसका, फ्लोरिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है, डिजिटल फ्लोरिंग है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक मिरर दिया हुआ है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल इस पर्टिकुलर हॉल की शोभा बढ़ा रहा है। सो यहाँ पर आप जैसे एंटर होते हैं
इस एंट्रेंस के पास में ही आपको एक वॉशरूम दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, इनफ स्पेस। स्टेयर्स भी अंदर से दी हुई है जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं इसका किचन कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड्यूलर किचन है जो कि इनफ साइज है। आप देख सकते हैं फर्निश्ड किचन है। एंड यहाँ पर जैसे आप आएंगे आपको वॉशिंग एरिया अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉशिंग एरिया है। एक बार यहाँ पर मैं किचन का आपको व्यू बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इंटीरियर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस हाउस का। बहुत प्रीमियम क्वालिटी की ये प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शांत वातावरण में बेस्ट प्रॉपर्टी हो आपके पास क्वालिटी, ये वाला जो बंगलो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप जैसे एंटर होंगे तो आपको हॉल और मॉड्यूलर किचन मिल जाएगा और नीचे वॉशरूम है। एंड यहाँ पर ये वाला जो वॉशरूम है ये हॉल के साथ अटैच्ड है। एंड यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिल जाएगा जिसकी साइज़ भी इनफ है। यहाँ पर आप जिसे आएंगे एक बेडरूम है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी जो साइज़ है वो है 10x15 स्क्वायर फिट। एंड यहाँ पर आप फ्लोरिंग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी की फ्लोरिंग है इसकी। एंड यहाँ पर एसी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है एंड वेंटिलेशन भी अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर बेडरूम के साथ वॉशरूम भी अटैच्ड है। इस बेडरूम का एक बार क्विक व्यू हो जाए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये वॉशरूम कैसा है इस पर्टिकुलर बेडरूम का। आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, इनफ साइज़ का है, कमोड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉश बेसिन भी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको शावर भी दिया हुआ है और इनफ साइज़ का वॉशरूम है। ये आपका एक सेपरेट बेडरूम हो जाएगा जिसके अंदर वॉशरूम अटैच्ड है। अब मैं आपको एक बार क्विक व्यू बता देता हूँ। जैसे आप एंटर होंगे हॉल जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल इंटीरियर डिज़ाइन के साथ है, यहाँ पर वॉशरूम, यहाँ पर किचन, यहाँ पर बेडरूम, जिनकी मैंने साइज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस पर्टिकुलर पूरे हाउस का जो साइज़ है वो है 1100 स्क्वायर फिट का। यहाँ पर अब हम ऊपर चलते हैं स्टेयर्स के थ्रू और देखते हैं कि यहाँ पर कितने और बेडरूम अवेलेबल हैं और उनकी डिज़ाइन कैसी हैं। स्टेयर्स भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की दी हुई है, यहाँ पर ऐसा नहीं गेस्ट रूम काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर आप जैसे आएंगे वैसे आपको यहाँ पर एक रूम स्पेस दिख जाएगी। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं एज ए गेस्ट रूम। एंड यहाँ से जो गार्डन का लुक है और यहाँ आसपास का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इसका जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वॉलपेपर भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। इसकी जो साइज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, 10x12 स्क्वायर फिट का ये स्पेस दी हुई है यहाँ पर। यहाँ पे हम जैसे ऊपर आते हैं अलग से आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस दी हुई है विथ वेरी गुड इंटीरियर डिज़ाइन। एंड सामने जो मिरर है वो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है।
यहाँ से हम इसका इंटीरियर देखेंगे। हॉल में जो इंटीरियर दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, एंड हॉल को भी आप देख सकते हैं। सो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। यहां पर भी एसी आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, एंड यहां पर आप देख पाएंगे पीओपी किया हुआ है और इसका जो इंटीरियर डिजाइन है वो काफी सिंपल एंड प्रीमियम दिया हुआ है। ये वाला जो बेडरूम है इसकी मैं साइज आपको बता देता हूँ। इसकी जो साइज है वो है 10x15 स्क्वायर फीट की, जो कि इनफ साइज है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी। एंड यहाँ पर भी आपको एक वॉशरूम मिल जाएगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो वॉशरूम है इसमें आप देख सकते हैं मिरर भी लगा हुआ है, वॉश बेसिन, एंड यहाँ पर कमोड है और शावर भी दिया हुआ है, जो कि कॉमन वॉशरूम में रहता है, बट इसकी जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं वीडियो में। सो इस पर्टिकुलर रूम का एक क्विक व्यू हो जाए। यहाँ पर एक अलग से स्पेस दी हुई है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब हम चलते हैं और ऊपर, आपको सामने देख सकते हैं वॉशरूम काफी ज्यादा अच्छी स्पेस के साथ है और इसका इंटीरियर भी आप देख सकते हैं, इट्स लुकिंग वेरी गुड। सो आप यहां पर देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा वॉशरूम है। ये वाले जो वॉशरूम की साइज है वो काफी ज्यादा बड़ी है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर बेडरूम मिल जाएगा जिसके साथ भी एसी अटैच्ड है, जिसके साथ भी एसी आपको दिया हुआ है, और यहाँ से आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर बेडरूम का लुक। इसका इंटीरियर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इस पर्टिकुलर बेडरूम की जो साइज़ है वो भी इनफ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 15x12 स्क्वायर फिट का इसका साइज है। यहां से आप लुक देखेंगे बाहर का, मैं आपको बाहर का लुक बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहां पर वेंटिलेशन, बालकनी आप देख सकते हैं यहां से, बाहर का लुक आप देख सकते हैं यहां पर, इट्स लुकिंग वेरी गुड। और यहाँ पर जो गार्डन्स दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया है कि फ्रंट में ही गार्डन अवेलेबल है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट में गार्डन है, और इस बेडरूम का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रीमियम है, आप देख सकते हैं पूरा पीओपी किया हुआ है, और जो कलर है वाइट वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ऊपर जाते हैं और देखते हैं टेरेस से इस पूरी रेड कार्पेट सिटी का लुक। यहाँ पर जो टेरेस की साइज है वो भी एनफ है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। एंड यहां से मैं आपको व्यू बताना चाहूंगा इस पूरी कॉलोनी का। यहाँ पर देखिए आप, ये हाउसेस बन रहे हैं सेम एज इट इज़, हाउसेस बन रहे हैं, बंगलोस बन रहे हैं सेम एज इट इज़, और यहाँ की जो लोकेशन है वो काफ़ी शांत वातावरण है। सो हम टेरेस से नीचे आ चुके हैं, टेरेस की साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी है। सो ये था एक ब्यूटीफुल बंगलो का व्यू। इसका मैं आपको प्राइस बताना चाहूँगा, इसका जो प्राइस है वो है 1 crore। इस पर्टिकुलर बंगलो की क्वालिटी को देखते हुए और गार्डन फेसिंग को देखते हुए, शांत वातावरण लोकेलिटी को देखते हुए, इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा सही रखा हुआ है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स चाहते हैं, फिजिकली विजिट करना चाहते हैं,
तो आप जो नंबर दिया हुआ है वीडियो के टाइटल में, उसमें कॉल करके हमसे कोऑर्डिनेट करके इस पर्टिकुलर हाउस को विजिट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर बंगलो को। एंड हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे बंगलोस अवेलेबल हैं जो आपके बजट में हम आपको इंदौर सिटी में प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो जो वीडियो के टाइटल में नंबर दिया हुआ है वो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके हमसे इस पर्टिकुलर हाउस के बारे में और डिटेल्स जान सकते हैं। और अगर आप परचेस करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, आपको इंदौर सिटी में बेस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड की जाएगी। सो आई होप आपको ये विजिट अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में और वीडियोस मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।